Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental sciences and Ayurvedic sciences. So, today our chapter is inflammation, which is a chapter of basic pathology. And the topics we will be starting with are definition of inflammation causes of inflammation types of inflammation and what are the steps general steps in inflammation so to begin with firstly what actually is inflammation so sir so robin states that Inflammation is a response of vascularized tissue to infections and damaged tissue that brings cells and molecules of host defense from circulation to the sites where they are needed in order to eliminate the offending agent. So, this was the bookish definition. Now, we will actually understand what is the meaning of this definition. So, what actually happens is वेन एवर एनी काइंड ऑफ़ माइक्रोब्स एंटर इन टू आर बॉडी लाइक वायरस बैक्टीरिया और एनी काइंड ऑफ अदर पैरसाइट लाइक एंटमीवा हेस्टोलिटिका और अदर पैरसाइट्स विच आर प्रैक्टिकली नॉट प्रजेंट इन आर बॉडी यूजअली और एनी टिश्यू डैमेज टेक्स प्लेस लाइक अगर हमें किसी चीज़ से लग गई है या फिर किसी ने ज़ोर से मार दिया है और एनी अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन अगर ये सब होता है तो वॉट आर बॉडी डज इज वो उस इन्फेक्शन या वो इस इंजरी को हील करने की कोशिश करती है या फिर अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट है तो हमारी बॉडी क्या करती है वो उस इन्फेक्शियस एजेंट को रिमूव करने की कोशिश करती है सो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज़ नोन एज इन्फ्लामेशन अब ये कैसे होता है दरअसल कोई भी इन्फेक्शन या टिश्यू इंजरी हमारे सर्कुलेशन को स्टेमुलेट करती है सर्कुलेशन मीन्स ब्लड एंड लिम्फेटिक्स एंड देन सर्कुलेशन में से जितने भी हमारी बॉडी के डिफेंस मेकेनिजम के सेल और मॉलिक्यूल्स हैं कई मॉलिक्यूल्स हम आगे पढ़ेंगे और कुछ सेल्स हम जानते हैं जैसे कि लिम्फेसाइट्स मैक्रोफेजेस एक्सेट्रा वो रिक्रूट हो जाते हैं एंड इसके बाद क्या होता है ये सर्कुलेशन से जाते हैं उस साइट पर जहाँ पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या फिर इंजरी है And then they try to eliminate this infectious agent or the cause of tissue injury. And this whole process of recruitment of these host defense cells and molecules is known as inflammation. So, it is actually the response of host defense which recruits molecules from circulation to eliminate offending agent. Now, the question which arises is.

लेट इस वॉट आर द कॉमन कॉजिज ऑफ इन्फ्लामेशन सो देर आर फोर कॉमन काजिज ऑफ इन्फ्लामेशन द वेरी फर्स्ट इज माइक्रोब्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया वायरस वेरियस पैरासाइट फंगाई और एनी सच ऑर्गेनिजम नाउ सेकेंड इज टिश्यू नेक्रॉसिस नाउ टिश्यू नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ इसका मतलब टिश्यू की डेथ तो देर आर सर्टेन मैकेनिज्म जिससे सेल डेथ हो जाती है अनयूजअल सेल डेथ जैसे फॉर एग्जाम्पल एश्चेमिया अगर ब्लड सप्लाई रोक दी जाए किसी भी तरीके से या किसी डिजीज के कारण तो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है तो दैट टू वुड स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन दैट वुड ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन एनीथिंग विच कॉज टिश्यू नेक्रोसिस नाउ थर्ड इज फ़ॉरन बॉडीज फॉरन बॉडीज मतलब लाइक सूचर्स डर्ट हो गई या स्पलिटर्स या फिर कई लोगों के हार्ट में जो है हम प्रोस्थीस लगाते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता वो उसे हमारी बॉडी उसे एज अ फ़ॉरन बॉडी ट्रीट करके इन्फ्लामेशन शुरू कर देती है या कई लोगों के आपने देखा होगा कि स्टिचेस लगते हैं सूचर्स लगते हैं तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती इंस्टेंट इन्फ्लामेशन होकर पस फॉर्मेशन हो जाता है एंड द लास्ट कॉजेज

माइक्रोब्स टिश्यू नेक्रोसिस फॉरन बॉडीज एंड इम्यून रियक्शंस इन सब में हमारी बॉडी ऑफेंडिंग एजेंट को हटाने की कोशिश करती है बाई वन मीन्स ऑर दी अदर एंड दैट इज नोन एज इन्फ्लामेशन नाओ आफ्टर दिस लेट सी वॉट आर दाइप ऑफ इन्फ्लामेशन एंड हम बेसिकली रफली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन अफकोर्स सिर्फ ड्यूरेशन डिफर नहीं करती और भी कई चीज़ें हैं जो इन दो टाइप्स में डिफर करती है तो मेजरली देर आर टू टाइप्स एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक्यूट इन्फ्लामेशन एक्यूट मतलब छोटे टाइम के लिए द एक्यूट इन्फ्लामेशन परसिस्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन डेप्थ हम आगे की वीडियोस में देखेंगे इन दोनों इन्फ्लामेशन के बारे में एंड देन कम्स क्रॉनिक इन्फ्लामेशन विच इज़ क्रॉनिक मीन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम सो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑफकोर्स अदर एलिमेंट्स हमने इन्फ्लामेशन को रफली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है एंड सेकेंड इज़ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है

तो जिस चीज़ से हमें इन्फेक्शन हो रहा है या जिस चीज़ से हमें इंजरी हो रही है या कोई भी फॉरेन बॉडी है जैसे सूचर्स है या कोई प्रोस्थीसिस है तो हमारी बॉडी सबसे पहले उसे रिकग्नाइज करती है विच इज़ रिकग्नेशन सेकेंड स्टेप इज़ रिकगनाइज़ करने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है हमारा जो सर्कुलेशन है उसमें से ल्यूकोसाइट्स या फिर मेजर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे डिफेंस के उनको रिक्रूट करती है इट्स जस्ट लाइक एन आर्मी पहले दुश्मन को पहचानो एंड देन रिक्रूट योर आर्मी सेना को तैयार करो सो दिस इज रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड अदर सेलर मॉलिक्यूल्स फॉर डिफेंस पर्पज थर्ड स्टेप इज किलिंग ऑफकोर्स लड़ाई होती है आर्मी जंग जंग पे जाएगी तो एक जो एक आर्मी जो है जीतेगी सो थर्ड स्टेप विच आर बॉडी मोस्टली डज इज कि वो फेगोसाइटोसिस से जो ऑफेंडिंग एजेंट था माइक्रोब या सूचर्स जो भी थे उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेशन करके उनको फेगोसाइटोस कर ले फेगोसाइटोस मीन सेल ईटिंग देन द फोर्थ स्टेप इज कि कोर्स लड़ाई एक हद तक अच्छी लगती है

आफ्टर दिस दी लास्ट स्टेप विच इज़ देअर इन्फ्लामेशन इज टिश्यू रिपेयर जो लड़ाई के वक्त सैनिक जख्मी हो जाते हैं उनकी फिर क्या की जाती है लास्ट में देखभाल तो इट्स जस्ट दैट कि इन्फ्लामेशन की लड़ाई में जो जो जख्मी हो जाता है उसे रिपेयर को हम बोलेंगे टिशू रिपेयर सो वी हैव रफली फाइव स्टेप्स रिकग्निशन रिक्रूटमेंट Phagocytosis, control of reaction, and then tissue repair. Always re remember the sequence. So, thank you for watching this. We will continue this topic in our further videos. Please like, share, and subscribe if you found it knowledgeable.